Yes. Welcome to my YouTube channel MD Alam and I am MD Alam. तो ये आपकी स्पोकन इंग्लिश क्लास है. लेट्स बिगिन. याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था वर्ब और मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो मेन वर्ब की हमने किस्में की थी, प्रेजेंट एंड पास्ट. और प्रेजेंट की तीन किस्में की थी और पास्ट की दो किस्में की थी. अगर आप बात करते हैं तो होपफुली ये क्लियर है आपको. जैसे हमने तीन किस्में की थी प्रेजेंट की, प्ले, प्लेज, प्लेइंग, और पास्ट की दो, प्लेड, प्लेड. इसको हम फर्स्ट फॉर्म हमने माना था, इसको सेकंड, जो पढ़ाया जाता है इसको थर्ड फॉर्म, राइट. और ये दोनों इजीली प्रेडिक्टेबल है तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ाते हैं. इसका मीनिंग निकालना भी मैंने आपको बताया था. अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे. हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दो तरह के, मेन हेल्पिंग वर्ब, राइट, नंबर एक मेन हेल्पिंग वर्ब एंड नंबर टू मॉडल. ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब से, ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब से सारा है टेंस, मूड्स एंड एस्पेक्ट्स बनते हैं. आप एबिलिटी एक्सप्रेस करते हो, परमिशन देते हो, या फिर सिचुएशन स्टार्ट, आप सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हो, तो उसके लिए ये मॉडल्स हैं और ये मेन हेल्पिंग वर्ब है. अगर मॉडल्स की बात करें तो इस पे ऊपर मैं आपको वीडियो डिटेल में वन बाय वन एक एक मॉडल्स पे आपको बनाकर बताऊंगा, बट ये बाद में बताएंगे. फिर भी मैं मॉडल्स बता देता हूं. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और टू, नीड, डेयर एंड यूज टू. ये सारे हैं. ये प्रेजेंट में भी यूज होते हैं, पास्ट में भी यूज होते हैं, फ्यूचर के लिए भी यूज होते हैं. कीप इन माइंड, टेंस बनाते वक्त हम विल शैल का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, बाकी प्रेजेंट में भी यूज होते हैं और पास्ट में भी यूज होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. तो ये हम बाद में करेंगे इसको डिटेल में, कीप इन माइंड. आज हमारा जो मेन फोकस है वो मेन हेल्पिंग वर्ब का. मेन हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में सिर्फ तीन है, बी, हैव एंड डू. इसके फॉर्म्स हैं जो कि मेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं. इसके साथ साथ ये मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं अगर इंडिपेंडेंटली इनको यूज किया जाता है. बी की अगर फॉर्म की बात करते हैं तो बी इंग्लिश का एक ऐसा वर्ब है जिसके आठ फॉर्म्स हैं. बी पहला खुद, बी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बींग. अगर बी इज एम आर की बात करें तो ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है और ये तीन पास्ट हो गए इसके रूप. ये सेकेंड फॉर्म के तौर पे और ये थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज होगा और ये प्रेजेंट के रूप में आ जाएगा. हैव की बात करते हैं तो हैव, हैज, हैड, हैड, हैविंग. आप देख सकते हैं तीन दो पांच है इसके रूप. ये हैव का फर्स्ट फॉर्म है, ये एस और एस वाला रूप है और ये फिर सेकेंड फॉर्म हो गया और ये थर्ड फॉर्म हो गया और ये फिर प्रेजेंट आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. इसी तरह डू, डू से डज एंड डूइंग बनता है, ये तीनों प्रेजेंट के हैं. और डिड एंड डन सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ये पास्ट के हैं. लेकिन इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब हम कैसे कैसे यूज करेंगे इंडिपेंडेंटली. वन वन पहले हम इसको ऐसे मेन वर्ब यूज करेंगे, सीखेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू यूज इट एज हेल्पिंग वर्ब इन टेंसेस. तो अभी वर्ब के बारे में मैंने बेसिक आपको बता दिया है. हम शुरुआत करेंगे वर्ब से और सेंटेंस मेकिंग से, सेंटेंस मेकिंग कैसे की जाती है नेक्स्ट वीडियो में. होपफुली आपको क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब दो है, मेन हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स. मॉडल्स ये 13 है टोटल और ये टोटल मिलाकर 17 है जो मेन हेल्पिंग वर्ब है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, राइट. और वो 13, 18, 31 हो गए. तो इसको हम डिटेल में करेंगे ताकि आप में कोई कंफ्यूजन न रहे इसको लेकर, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.